ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो, ढंग से बताओ या तरीके से बताओ, ढंग से पूछो या तरीके से पूछो, ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं, ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं, सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है, आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो, स्पीक इन अ मैनर, स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ, टेल इन अ मैनर, टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो, आस्क इन अ मैनर, आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो, वॉक इन अ मैनर, वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, ढंग से कहो या तरीके से कहो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।